अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक खैरियत से हैं? आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है और आज हम जा रहे हैं दावत पे। मलीर कैंट अप्रूवल मिल गई है, इंशाल्लाह हम जा रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ चलें और देखते हैं क्या बनाएं आज खाने के अंदर। आ जाएं। हाँ भाई, तो हम अपने रास्ते के ऊपर हवा दवा हैं। और कौन सी चेक पोस्ट से जाना है बेगम? चेक पोस्ट फाइव से हमें एंटर होना है। और अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ले क्या हम लोग, मिठाई लें या केक लें? केक ले लें, केक सब खाते हैं। केक ठीक है, केक लेते हैं। अरे हाँ यार, कबाब चीज़ पे मुझे 40% ऑफ आया हुआ है, तो आ जाएं देखते हैं हमें कितना डिस्काउंट मिलता है केक के ऊपर। अच्छा सा कोई केक लेते हैं बेकरी से और आपको भी शेयर करते हैं कि 40% के हिसाब से हमें कितना डिस्काउंट मिला। और भाई हम तो आपकी बेकर आ गए, यहाँ से केक उठाते हैं और जल्दी चलते हैं। गर्मी बहुत टाइट हो रही है, गाड़ी में तो एसी चल रहा था, पता नहीं चल रहा था यार, बट बहुत गर्मी है। भाई हम लोग लेंगे गैलेक्सी केक, ये वाला बैग बास्केट लाओ ऊपर से। ये आ गया भाई हमारा केक। इतनी गर्मी में तो आइसक्रीम हो जाए है, ठंडे ठंडी आइसक्रीम। हाँ भाई, जो हमने अभी केक लिया कबाब जी इसका, वो हमने गैलेक्सी केक लिया जैसा मैंने आपको दिखाया, और उसके ऊपर जो हमें डिस्काउंट मिला है 40% के हिसाब से, वो मिला है 660 रुपये का। तो इट्स अ बिग डिस्काउंट। जिन लोगों के पास HBL के कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, वो अपना इजीली जो है ये ऑफ़र अवेल कर सकते हैं किसी भी नियर बाई कबाब जी इसके ऊपर। तो गो एंड ट्राई इट एंड चेक इट आउट। ऑन द वे टू सफूरा रास्ता चेक करें यार, कितना खूबसूरत लग रहा है। लेफ्ट पे भी पेड़, राइट पे भी, और ये सीधा रास्ता। मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। हाँ भाई, तो हम लोग पहुंच गए हैं मलीर कैंट के पोस्ट नंबर 5 के ऊपर, और यहाँ से अब हम एंट्री करवाएंगे अपनी। अपना एक कोड है जो उन्होंने दिया हुआ है, और फिर एंट्री करवाने के बाद हम एंटर हो जाएंगे इंशाल्लाह। भाई फाइनली हमें पास मिल गया, काफ़ी लंबा सिक्योरिटी चेक था और ये हमें पास मिल गया। एंट्री हमें मिल गई है मलीर कैंट में, हम आ गए हैं। और वाह यार, माशाल्लाह से अभी चेक करें तो साफ़ सुथरा हो रहा है यार सारा मलीर कैंट। अल्लाह करे कराची भी इस तरीके से साफ़ सुथरा हो जाए और सारा डेवलपमेंट का काम, सफाई का काम शुरू हो जाए, रोड्स बन जाए, तो हमारा भी कराची ऐसा हो जाएगा साफ सुथरा इंशाल्लाह। हाँ तो भाई आ जाएं, आपको हफ्ते में थोड़ा सा हम आपको मलीर कैंट का टूर कराते हैं और दिखाते हैं कि क्या शिशके हैं भाई, क्या शिशके हैं खूबसूरत। चेक करें भाई फैसल मॉस्क और मीनारे पाकिस्तान और खैबर गेट बना हुआ इस चुरंगी के ऊपर। पाकिस्तान चौक है इस चुरंगी का नाम। नाइस यार, अच्छा बना हुआ। इकरा लाइब्रेरी बनी हुई है भाई, देख सकते हैं आप लोग। वाओ, टैंक चेक करें भाई। देखें यार, मतलब यहाँ पे सब्जा वगैरह बड़ा ज़बरदस्त, प्लांटेशन बहुत अच्छी हुई है,
उससे आप देखेंगे उसकी खूबसूरती निकल रही है कैंट की। तो हेड्स ऑफ टू डैम यार, इन लोगों ने प्लांटेशन का बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। हाय 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 हाय, वाह भाई वाह। ये आ गया भाई कमर्शियल एरिया, यहाँ बैंक्स हैं, फ्लेम रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट है, नाइस प्लेस ये सारा जो है वो कमर्शियल एरिया है भाई। अंदर इम्तियाज स्टोर भी है, ज़बरदस्त। एक कम्युनिटी पार्क भी बना हुआ है यहाँ पे, बड़ा खूबसूरत सा। देखिए भाई सामने फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है। ये आ गया भाई आर्मी पब्लिक स्कूल, और यहाँ से बेसिकली हमारी वाइफ ने स्कूलिंग कंप्लीट करी है। सामने ऑडिटोरियम बना हुआ है, ये स्कूल है, यहाँ से हमारी बेगम ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी आर्मी पब्लिक स्कूल से। हाँ भाई, तो ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे घर भी बने हुए हैं, उसके साथ साथ फ्लैट्स भी बने हुए हैं। यहाँ इनकी ये सामने मोहल्ला मस्जिद है, और कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम पहुंचने वाले हैं थोड़ा सा आगे जाके, लेफ्ट जाके जो है हमारे रिलेटिव का घर, तो कोऑर्डिनेट्स को फॉलो कर रहा हूँ ये गूगल वाली बाजी को। टर्न लेफ्ट देन टर्न राइट, देखा उसने कहा टर्न लेफ्ट देन टर्न राइट, तो अब हम लेफ्ट टर्न तो नहीं हो सकते, थोड़ा सा क्रॉस करके ही सामने रास्ता बना हुआ है। और अब हम लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं 5 मिनट के अंदर अंदर। ये रेजिडेंशियल एरिया, बैंगलोर वगैरह बने हुए हैं आई गेस, और ये सफाई का काम जारी है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है यार, मतलब दिल खुश हो गया देख के जितना लोगों ने खूबसूरत बनाया है। अब यहाँ से हम लेफ्ट टर्न होंगे, और फिर लेफ्ट टर्न होने के बाद दोबारा लेफ्ट टर्न होंगे। मुझे लगता है गूगल वाली बाजी जो है ना वो पागल हो गई है। बहरहाल पहुँचने वाले हैं। हाँ भाई, तो फाइनली हम पहुँच गए हैं लोकेशन पे, ये सामने घर है, और अब हम अंदर जा रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए साइनिंग ऑफ, खाने पे मिलते हैं। भाई नमाज टाइम हो गया है, नमाज पढ़ते हैं। हाँ जी भाई, तो ये आ गया हमारा मटन ग्रिल, और ये आ गया हमारा मटन पुलाव। पहले हम मटन ग्रिल ट्राई करेंगे, इसको निकाल लेते हैं भाई प्लेट में, बहुत जूसी लग रहा है, बहुत यम्मी लग रहा है यार, और उसके बाद हम इसको फोड़ते हैं, और इसके बाद हम फोड़ेंगे पुलाव। और भाई खाने के आखिर में हमें किटकैट मिल गई। हाँ भाई, तो ये हमारा डिनर था, और माशाल्लाह से क्या लजीज था, ग्रिल था बकरे का, उफ कोई, और पुलाव वो भी बकरे का, मज़ा आ गया यार, बेहतरीन डिश थी, बहुत मज़ा। क्या आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो आज के ब्लॉग के लिए यही है भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड अगेन ईद मुबारक, और बारबेक्यू शारबेक्यू के प्लान्स बनाएं, आप लोग भी इन्जॉय करें इंशाल्लाह, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अस्सलामुअलैकुम।